वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 10 अगस्त और दिन है सोमवार का। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। भारत और नेपाल के बीच अब सीमा विवाद के बाद भारत भगवान के जन्म स्थानों को लेकर भी विवाद बढ़ रहा है। पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम का जन्म स्थान भारत स्थित अयोध्या में न होकर नेपाल में बताया था। वहीं अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भगवान बुद्ध को भारतीय बता दिया है। इसे लेकर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि ऐतिहासिक और पुरातन सबूतों से यह साफ है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। उधर लद्दाख में LAC सीमा पर तनातनी के बीच चीन द्वारा तिब्बत में कृत्रिम झील बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। साथ ही कहा है कि यदि जरूरत महसूस होती है तो सरकार को चीन को अंतर्राष्ट्रीय विवाद परिषद में ले जाना चाहिए, क्योंकि ये कृत्रिम झील अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की तरफ से राष्ट्रवाद, 56 इंच का सीना और लाल आंखें जैसी बातें की जाती हैं, लेकिन हकीकत में ये खाली नारे और खोखले दावे लग रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी पर बनाई जा रही कृत्रिम झील लद्दाख के देपसांग में बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी और नेपाल द्वारा कुछ भारतीय इलाकों पर अपना दावा करना, ये सब खतरे की निशानी है। सरकार को इन्हें सुलझाने के लिए गंभीर कदम उठाने चाहिए। इस बीच कोरोना वैक्सीन डेवलप करने की कोशिशों में जुटी भारत बायोटेक कंपनी का कहना है कि वो इसे लेकर दबाव में काम नहीं करना चाहते हैं। कंपनी के CMD कृष्णा एल्ला ने बताया कि मौजूदा महामारी ने कंपनी पर जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार करने का दबाव बना दिया है, लेकिन हम इसमें जल्दी नहीं करना चाहते और सेफ्टी और क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। CMD ने बताया कि हम नहीं चाहते कि गलत वैक्सीन से और ज़्यादा लोगों की मौत हो। आपको बता दें कि हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का पहला चरण पूरा हो चुका है, अब दूसरे चरण की तैयारी की जा रही है। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामलों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बाहर के लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, जिससे राजधानी में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली BJP चीफ आदेश गुप्ता ने इस पर कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि दिल्ली के CM और दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवासी दिल्लीवासियों को समस्या क्यों मानते हैं। जन्माष्टमी के मद्देनजर दिल्ली के इस्कॉन टेंपल में तैयारियां जोरों पर हैं। इस्कॉन के उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र नंदन दास ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि मंदिर में एंट्री इन्वाइट के आधार पर ही दी जाएगी। भक्तों के लिए मंदिर नहीं खुलेगा, वे सिर्फ ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के इस्कॉन टेंपल में 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस बीच मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ये जानकारी ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आज मेरी दूसरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पहली टेस्ट रिपोर्ट के बाद से ही मैं होम आइसोलेशन में हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि जो मेरे संपर्क में आए हैं वे कृपया अपना कोरोना टेस्ट करा लें। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी फैलने की दर लगातार तेजी से बढ़ रही है। देश में लगातार चौथे दिन 60,000 से ज़्यादा मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 62,064 नए केस सामने आए हैं, वहीं 1,007 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 22,15,075 हो गई है। देश में अब तक 44,386 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खौफनाक महामारी से अब तक 15,35,744 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,34,945 एक्टिव केस हैं। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।